बेहद के बाप ने अभी बुद्धि में ये नॉलेज दिया है, जो है ही नॉलेज फुल, उसने ही बैठ कर करके समझाया है कि हाँ तुम आत्माएं, हाँ वो आत्माओं से बात करता है कि तुम आत्माएं असल में क्या थी, उसका मतलब हो गया कि अभी कुछ और हो गई हुआ। तो आत्माओं की भी स्टेजेस बदलती हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सदा से एक ही स्टेज में है। आत्मा भले अनादि है परंतु उसकी स्टेज बदलती है। स्टेज का मतलब ही है उनका, जैसा जैसा समय बीतता जाता है तो उनकी स्थिति बदलती है। तो आत्मा की स्थिति जरूर बदलती है, लेकिन वैसे आत्मा अविनाशी अनादि है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे उसकी स्थिति भी अविनाशी अनादि है, नहीं बदलती है, क्योंकि अभी बदली कौन है, आत्मा बदली है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शरीर बदला है या हमारे, नहीं, वो शरीर का आधार भी तो आत्मा से है नहीं। इसलिए आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा पाती है, तो करने वाली रिस्पॉन्सिबल वो है। तो अभी बाप भी उनसे बात करते हैं, ये तो अभी बुद्धि में सबके है ना, कि हाँ अपने आत्मा का पिता, परम पिता उनको कहते भी हैं, परम पिता, परम आत्मा, जो पिता जो कहते हैं तो जरूर हम उसके पुत्र ठहरे। ऐसे नहीं है वो पिता हम भी पिता, हाँ नहीं, आत्मा अगर परम आत्मा कही जाए तो फिर आत्मा ही वो फिर परम पिता भी कहे, पर तो नहीं, पिता कहा जाता है तो पिता माना, पिता और पुत्र के रिलेशन में पिता कहने में आता है। हम अगर सब पिताए हैं तो फिर पिता भी कहें क्यों, जरूर पुत्र और पिता दो चीज, पिता कहने का संबंध पुत्र से बनता है और पुत्र के संबंध में ही पिता का संबंध आता है। उनको कहा ही जाते हैं परम पिता परम आत्मा। तो अभी वो बाप बैठकर करके समझाते हैं कि हाँ अभी तुम्हारी जो स्थिति है और जो पहली स्थिति थी उसमें फर्क है, अभी मैं आया हुआ हूँ उसी फर्क को फिर बनाने के लिए। ऐसे नहीं है कि आत्मा को बनाने के लिए, तुम्हारे में जो फर्क आया है, तुम्हारी स्थिति जो बदली है उसको फिर बदलने के लिए। तो वो बैठ कर कर करके बाप अभी नॉलेज दे करके, वो भी कैसे बदलेगा, समझ से, इस समझ दे कर करके समझाते हैं कि तुम्हारी असल जो ओरिजिनल स्टेज थी अभी उसी को पकड़, कैसे पकड़, वो पकड़ाने का ज्ञान भी दे रहे हैं, बल भी दे रहे हैं, या मुझे याद कर तो तुम्हारे को श्रेष्ठ करने का बल आएगा, नहीं तो हाँ तुम्हारे से कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। कहिए नहीं, जो कहते हैं हम चाहते हैं ये अच्छा काम करे, लेकिन पता नहीं फिर क्या है जो, हाँ फिर हमारा मन उस तरफ लग जाता है, अच्छी तरफ लगता नहीं है। तो क्यों, कि हमारे में अच्छे कर्म करने की बल नहीं है। हमारी स्थिति अभी तमो प्रधान होने के कारण वो तमो का अभी प्रभाव जोर से है, इसीलिए वो हमको दबाता है। तो इसीलिए उसी तरफ जल्दी बुद्धि चली जाती है और अच्छे तरफ बुद्धि जाने में रुकावट आती है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि बच्चे अभी वो रुकावट तेरी दूर हो गए। वो कैसे होगा, उसी लिए कहते हैं अभी मेरे से योग अथवा मेरी याद रख और मेरे इस नॉलेज के समझ से, जो मैं समझ देता हूँ उसके आधार से, ये अपना जो पाप का भी बोझा है और जो बंधन है जो तुमको रुकाते हैं उससे अपना रास्ता साफ करते चलो। तो हाँ फिर तुम्हारे को कर्म श्रेष्ठ
करते चलने से तुम्हारी पावर वो सतो प्रधानता की बढ़ेंगी और उसके आधार से फिर तुम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो तुम्हारी असल है। तो ये तो अभी हाँ नॉलेज बुद्धि में है जो रोज आते हो, ये अभी हम उस बेहद बाप से क्या प्राप्ति करते हैं और उस प्राप्ति के आधार से ही फिर जैसी आत्मा वैसा शरीर, फिर जैसा शरीर और आत्मा यानी मनुष्य वैसी फिर संसार भी होता ही है। तो ये सभी चीज बुद्धि में रखने की है कि अभी ऐसा संसार एक दो आदमी की बात नहीं है, ऐसा संसार अभी वो परम पिता परमात्मा बनाते, वो है गाया भी जाते है नहीं, उसको कहा भी जाते हैं क्रिएटर और कहा भी जाते हैं वर्ल्ड क्रिएटर, हाँ दुनिया का रचता, पर तो ऐसे नहीं है दुनिया कभी है ही नहीं, जो बैठ कर करके बनाते, लेकिन ऐसी और इस तरीके से दुनिया बनाता है तो दुनिया का मालिक है ना, तो उनका है ही एक्ट दुनिया बनाने का। दूसरे किसी का भी क्राइस्ट आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो दुनिया बनाने वाला, वो धर्म बनाने वाला, उसने अपना नया धर्म स्थापन किया। बुद्ध आया तो भी उसने अपना नया धर्म स्थापन किया इसी दुनिया में, लेकिन दुनिया को बदलना और दुनिया बनाना ये हो गया काम उसका जिसको वर्ल्ड क्रिएटर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इसीलिए उसको कहा जाता है। तो ये भी समझना है कि उनका कर्तव्य और उनका जो करना है वो सभी आत्माओं से भिन्न है, परंतु काम वैसे ही वो जैसे आत्माएं भी अपना अपना कर्तव्य आकर के करती हैं, वैसे परम आत्मा भी अपना कर्तव्य एक बार इस मनुष्य सृष्टि में आकर करके एक्ट करती है, तो उसका भी एक्ट है एक बार का, बाकी तो एक्ट हर एक आत्मा का अपना चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सभी परमात्मा का एक्ट चलता है, ये हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म का खाता चलता है, जो करती है सो पाती है। उसमें फिर कई अच्छी आत्माएं भी हैं, जैसे भाई क्राइस्ट बुद्ध और इस्लामी धर्म स्थापन करने वाले दूसरे धर्म या जो जो भी अच्छे आए तो उन्होंने फिर अपना अपना, भाई गांधी आया फलाना आया जो जो भी अपना, तो वो भी अपने अपने काम कर्तव्य करने का अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसी तरह से सब हर एक देखो आपका आपका भी बहुत जन्मों का, यानी जितने भी जन्म हुए तो वो जन्मों का अपना आत्मा का पार्ट है, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया फिर दूसरा तीसरा, जितने भी जन्मों का हिसाब होगा अरे का, तो वो अपना अपना जन्मों का वही आत्मा पार्ट बजाती है। अभी ये आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है अनेक जन्मों का जो वो प्ले करती है, तो ये है प्ले करने का स्थान, इसीलिए इसको नाटक भी कहते हैं ड्रामा भी कहते हैं। तो एक बार उसमें फिर परमात्मा का भी एक्ट है, इसीलिए फिर उसकी एक्ट की महिमा सबसे उच्च है इसी नाते, क्योंकि उसका जो एक्ट है यहाँ वो सबसे ऊंचा होता है। ऊंचा किस में है कि वो आकर करते हमारी दुनिया को बदलते हैं, लेकिन किस युक्ति से बदलते हैं, आत्माओं को कैसे फिर बदलाते हैं जिसके आधार से शरीर, फिर शरीर और आत्मा के आधार से फिर सारी सृष्टि का, ये सभी चीजें समझाते हैं। तो ये है उसका काम, तो इसीलिए कहते हैं कि ये है, इसको कहा ही जाता है कर्म क्षेत्र, ये है कर्म की खेत जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करती है, परंतु मेरा सबसे भिन्न है, मैं कोई आकर कर करके अपने कर्म के हिसाब से, लेकिन मेरा पर हिसाब ऐसा है, हिसाब तो मेरा भी, परंतु मेरा इस किस्म से है कि मैं आत्माओं की सदृश जन्म मरण में आऊं, या मैं आत्माओं की सदृश कर्म का हाँ खाता उल्टा या ये करूं, नहीं, मेरा पार्टी ऐसा है जिसमें सिर्फ आकर करके मैं आत्माओं को लिबरेट करता हूँ, इसीलिए मुझे लिबरेटर बंधन से छुड़ाने वाला। तो कैसे छुड़ाता हूँ, किस तरह से, ये सब जिसको प्रगति सदगति मोक्ष आदि ये नाम दे दिए हैं, तो कहते मैं आकर करके छुड़ाता हूँ। तो देखो ये छुड़ाते हैं ना, माया की बॉन्डेज से, माया का बंधन जो चढ़ा है उससे बैठ कर करके प्यूरिफाइड बनाते हैं, और कहते हैं मेरा काम ये है कि आत्मा को से छुड़ा करके
ले जाना। तो ये भी सारी सृष्टि का जो नियम और कायदे हैं अनादि, वो भी तो समझना है ना कि ये किस तरह से। और हमको सृष्टि से भी दिखाई पड़ता है कि ये सृष्टि की भी संख्या भी हमको दिखाती है कि ये मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, बढ़ती। ऐसे भी नहीं है कि नहीं बढ़ती है तो फिर बढ़ती चलती है, फिर वो भी टाइम जरूर है कि जब ये कम होती है। तो ये सभी चीजें ऐसे नहीं है बढ़ती है तो बढ़ती ही चलती है, नहीं, फिर इसका स्टेज आता है जो फिर कम होती है। तो ये भी सृष्टि में सब चीजों का, हर चीज की भी नेम है ना। जैसे देखो ये मकान है, पहले भाई बना होगा तो उसको कहेंगे ना नया। इसे नया भी ऐसे तो नहीं है कि झट से बस जल्दी से फिर एकदम पुराना हो जाएगा, नहीं, पुराने होने में समय लगता है। पहले नया है, इसे बहुत धीमे 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 वो आप नयापन थोड़ा छूटता जाएगा। फिर जब पुराने की भी कंडीशन शुरू होंगी तो ऐसे नहीं झट से, फिर पुराना होते 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 बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था अपने, फिर टाइम। तो हर चीज को अपने जीवन से भी ले, तो हमारे जीवन का भी नेम है शरीर का, भाई पहले बाल, ऐसे नहीं बाल से झट वृद्ध हो जाएगा, नहीं, बाल, फिर बाल भी साथ वो कहेंगे किशोर, छोटा बिल्कुल होता है ना तो उनको कहेंगे किशोर अवस्था, पीछे थोड़ा बाल बड़ा होगा, फिर अच्छा युवा आएंगी, फिर युवा की भी स्टेज बढ़ेगी, फिर वृद्ध, वृद्ध भी जल्दी नहीं, फिर वृद्ध होते 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 फिर बेचारे जर जर। तो ये सभी चीजों का भी, हर बात का बढ़ना और उसकी एंड होना, ये भी सभी नेम है ना। इसी तरह से ये सृष्टि की भी जो जनरेशन है ना, उनका भी ऐसा नेम है, हर चीज बढ़ती है फिर कैसे घटती है ये सभी। इसी तरह से ये भी हमारी, ये तो वह एक शरीर का, लेकिन ये फिर हमारे अनेक जन्मों का भी ऐसा है। पहले हमारे जन्म अच्छे कैसे, जो भी आत्मा आती है, देखो क्राइस्ट आया तो पहला उनका और पावर जो था वो ऊंचा था, पीछे आ वो भी जन्म, ऐसे नहीं वो चली गई आत्मा, वो भी जन्म लेती लेती, और फिर उसका दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा, जितने भी जहां तक क्रिश्चियनिटी है वो जन्म में है। तो वो जन्म लेते 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 फिर उसकी भी स्टेज जो है ना कम पड़ती है। इसी तरह से ये जन्मों की भी फिर स्टेज है, एक जीवन की भी स्टेज है तो फिर जन्मों की भी स्टेज है, तो फिर जनरेशन भी जो चली उनकी। इसी तरह से सभी धर्मों का भी फिर स्टेज है, पहला जो धर्म है सबसे ताकत वाला, पीछे आस्ते आस्ते जो आती है कम 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 ताकत, पीछे इसी तरीके से ये धर्मों की भी वृद्धि। तो हर चीज में अपना अपना नियम है, धर्मों का बढ़ना, धर्मों का चलना, जनरेशन में हर एक को चलना, उनका चलना, हर एक बात का कैसा नियमों से चलते हैं, इन्हीं सभी बातों को भी समझना है। तो इसी हिसाब से फिर ये सभी बातों का भी एक बार बाप कहता है, मेरा भी उसमें पार्ट है, जो मैं आकर कर करके फिर सबको, क्योंकि वो फिर पावरफुल सोल चाहिए ना, बस वो मैं भी सोल हूँ, मैं भी कोई गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ, मैं भी तो सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम जो है ना बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं, या मुझे लिबरेटर। देखो लिबरेटर कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, मनुष्य आते हैं, भले दूसरा भी अपनी, जैसे क्राइस्ट आया तो अपनी संख्या को भी ले आया, जिससे फिर क्रिश्चियनिटी बढ़ी, ये भी संख्या बढ़ी ना, तो उनका काम है ले आना, हाँ उनकी, बाकी वापस ले जाना ये फिर उनका काम नहीं है। इसीलिए ये है उस सुप्रीम सोल का, तो उसका भी सोल का काम है ना, इसीलिए कहते हैं मेरा जो काम है, तो मैं भी गॉड कोई गॉड दूसरी चीज नहीं हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य दूसरा है, मेरा काम दूसरा है, इसीलिए मेरे कर्तव्य के ऊपर मैं गॉड हूँ, गॉड भाई की कोई दूसरी चीज नहीं है। जैसी तुम आत्मा है मैं भी वैसा हूँ, जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना, मनुष्य का बच्चा भी मनुष्य मनुष्य ही होगा ना, तो वो परम आत्मा की या मैं भी आत्मा तो आत्मा ही हूँ, तो जैसी मैं हूँ वो भी वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ कर्तव्य में बहुत बड़ा भारी फर्क है। इसीलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है ना वो सबसे भिन्न है, इसीलिए मैं धर्म जो स्थापित पिताए हैं जैसे क्राइस्ट बुद्ध, इन धर्म पिताओं से भी परम पिता मुझे कहते ही है, परम पिता परम आत्मा, वो हो गए धर्म पिता, यानी धर्म के स्थापित, मैं धर्म का स्थापित नहीं हूँ,
मैं कोई हद का एक धर्म आकर के स्थापन करूं वो नहीं, मैं आकर करके वो स्थापना करता हूँ यानी धर्मात्माओं की दुनिया। तो मेरा काम सबसे बड़ा हो गया, मैं दुनिया का क्रिएटर हो गया, यानी वो हो गए धर्म के क्रिएटर, जैसे क्राइस्ट को कहेंगे धर्म का क्रिएटर, भाई क्रिश्चियनिटी का क्रिएटर, तो क्रिश्चियनिटी धर्म का क्रिएटर क्राइस्ट, और बुद्ध धर्म का क्रिएटर बुद्ध, इसी तरह से हुआ ना भाई गुरु नानक देव सिख धर्म का क्रिएटर, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन एक हद का धर्म हुआ, लेकिन वो हो गया दुनिया, दुनिया का, क्योंकि सारी दुनिया को चेंज में अथवा किस तरीके से वो लाते, तो उसका भी काम हो गया ना, जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे परमात्मा। बाकी कहते मैं भी आत्मा ही हूँ, मैं गॉड कोई और चीज हूँ या परमात्मा की कोई दूसरी, मैं भी आत्मा ही हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है, मेरा कर्तव्य जो है सबसे भिन्न है, निराला है। इसीलिए कहते हैं तेरे काम निराले, तेरे काम निराले। तो निराले कहते कि जो भी धर्म स्थापित है, जो भी काम करने वाले, उन सब से काम में मेरा फर्क है, उसीलिए मुझे गॉड कहते हैं कि भाई तेरा तो काम अथॉरिटी का है, या तुम कैसे दुनिया को बदलते हैं, तो उसका भी काम है। तो ये सभी चीजों को भी समझना है, इसीलिए उसको गॉड कहते हैं, और उसका शक्तिशाली काम है, इसीलिए उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं। शक्तिशाली क्यों उनका काम है, कि ये काम कि ये सभी आत्माओं को लिबरेट करना, माया की बॉन्डेज से छुड़ाना, और फिर आना ही दुनिया का बैठ कर कर करके ये सैपलिंग लगाना और ये परिवर्तन लाना, ये सब करना, इसीलिए उसको कहते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, जिसको कहते हैं ना, तो हेवन स्थापित, वो जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, गॉड फादर नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। क्यों कहते हैं कि हेवन का स्थापित वो है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना, हेवन कोई एक धर्म तो नहीं है ना, हेवन हो गई वर्ल्ड, हेल है वर्ल्ड, तो वो वर्ल्ड का स्थापित हो गया, और वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य रहा, तो वर्ल्ड की था यानी सारी वर्ल्ड तत्व आदि सब चेंज में आ गए ना, इसीलिए बाप कहते हैं वो है हेवनली गॉड फादर। तो अंग्रेजी में भी देखो उसको ऐसे, बाकी ऐसे नहीं हेवन में रहता है, कहीं ऐसे समझते हैं उसको हेवनली गॉड फादर, इसीलिए कहते हैं वो हेवन में बैठा है, बैठा है तो क्या है, बैठने तो उसके बैठने से हमारी महत्वता या उनकी महत्वता क्या हुई, वो बैठा है तो वो बैठा है, नहीं हमारा क्या किया, हम क्यों उसको कहते हैं हेवनली गॉड, अरे तू बैठा है, मैं यहाँ हेल में पड़े है, तू बैठा है तो क्या बराई की, नहीं उसने हमारे इस हेल को हेवन बनाया है, इसीलिए हम उसकी महिमा करते हैं, तो उसकी महिमा भी हमारे पास क्यों है, यहाँ महिमा है ना, तो इधर महिमा क्यों है, इधर उसकी उपमा क्यों होती है, इसीलिए होती है कि इसने यहाँ कुछ काम किया है, और महिमा हमेशा भी उसकी होती है जिन्होंने कुछ काम किया है। भाई गांधी ने हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे लिए कुछ काम किया, जो जो भी हिस्ट्री आती है, जिन्हों के भी हिस्ट्री में नाम है, काम के ऊपर है, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया होता तो वो हिस्ट्री में नाम नहीं आते कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने देश को ऐसा किया, इसने ये राजा ली फला ने, जो भी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बनती ही है उनके कर्तव्य पर। तो भगवान की भी जो है, जिसको भगवान कहते हैं परमात्मा, उसकी भी जो हिस्ट्री आती है वो भी उसके कर्तव्य के ऊपर है, परंतु उसका कर्तव्य जरूर कोई सबसे इतना ऊंच है, इसीलिए तो उसको गॉड क्रिएटर हेवनली गॉड, अंग्रेजी के भाषा वाले अंग्रेजी भी अपने उसकी महिमा करते हैं और सब उसकी महिमा करते हैं, खुद धर्म स्थापित भी जो है ना उन्होंने भी उसकी महिमा करी। तो ये सभी चीजें भी समझने की, उसके कर्तव्य काम की महानता सबने गाई है, खुद जो धर्म स्थापित करने वाले क्रिश्चियनिटी के बुद्धिज्म में सबने उसकी महिमा, फिर भले किसी ने कह दिया कि नहीं परमात्मा कोई और कुछ नहीं है, बस जैसे बुद्ध ने भाई कहा कि बस सत्यता हा, सती जो है ना हा, बस वही अपना हा, वही परमात्मा है, जिसी ने जिस तरह से आए, परंतु कोई चीज आगे रखी ना, इसी तरह से ये, परंतु वो बेचारे यथार्थ बात को तो सभी तो जान नहीं सके ना कि यथार्थ क्या है, इसीलिए बाप कहते हैं यथार्थ हूँ क्या, मेरी सत्य, मैं सत्य भी हूँ, गॉड इज ट्रुथ है,
तो ट्रुथ क्या चीज, ट्रुथ किस में है, तो वो भी समझने कि भाई गॉड इज ट्रुथ। बाकी ऐसे नहीं ट्रुथ, वो कई समझते गॉड इज ट्रुथ, जो सच बोलते हैं ना बस वही गॉड है। इसलिए वो समझते हैं कि सच बोलना बस यही गॉड है, गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना ये। परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड नहीं आकर करके इसके बातों के बिनिस्पत सच्चाई जो है वो बताई। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, यानी गॉड ही ट्रुथ बतलाता है आकर करके, उसने सच्चाई। इसीलिए देखो उसके अक्षरों में भी आते हैं नॉलेजफुल, तो जरूर है कोई नॉलेज का फुल है ना उसके पास। कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। देखो उनकी महिमा में अंग्रेजी में भी तो ऐसे ही आती है, और कभी भी कोई कॉमन भी कहते हैं कोई बात होती है गॉड नोज, भाई ईश्वर जानता है, तो उसकी माना उसके कुछ जानने की बात है, कोई बात होती हम नहीं कह सकते गॉड नोज, तो उसकी माना कोई जानकारी, जानकारी जानने वाली चीज है वो, तो वो भी समझने की बात है। वो कौन सी जानता, ये नहीं है कि भाई इसने चोरी की, गॉड नोज, भले वो जानता सब कुछ भी है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वो हमारे उसी पर है कि हमारी दुनिया को ऊंचा और ये दुनिया नीचे कैसी हुई, हम गिरे कैसे हैं, अब चढ़े कैसे, इन सब बातों का, हमारे सारे सर्किल चक्कर का, ये जो हम नीचे हो गए हैं अब ऊंचे कैसे होंगे, ये सभी बातों को वो जानता है। इसीलिए कहते हैं ये सब बात गॉड नोज, मनुष्य नहीं, मनुष्य की थोड़ी बात आती है, मनुष्य नोज नहीं, गॉड, गॉड के लिए तो जरूर है कि उनके पास जानकारी सबसे ज्यादा है। हाँ, मनुष्य वो नई चीजें बता सकते हैं जो उनको बतानी है, इसीलिए तो उनको कहते हैं गाते तो ये कहते हैं मनुष्य के लिए। तो ये सभी चीजें की परमात्मा की महिमा भी जो आती है ना उसी ढंग से आती है, उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका सबसे जानना भी भिन्न है मनुष्य हद की। इसलिए कहते हैं हिंदी में भी है तो मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा को कहा जाता है सर्वज्ञ, जिसको अंग्रेजी में नॉलेज फुल कहते हैं, यानी फुल सब जानता है, और हिंदी में कहेंगे सर्वज्ञ, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला, तो सब जानता है, और मनुष्य के लिए कहेंगे अल्पज्ञ यानी हद की। तो ये सभी चीजें की तो मनुष्य के लिए अल्पज्ञ, उसको थोड़े कहेंगे कि वो ट्रुथ को जानते हैं, नहीं, जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है, क्योंकि जो सब जानता है। इसीलिए यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होंगी फिर देगा भी, तो वही ना, खाली उसको अपने जानने के लिए है क्या कि खुद बैर कर सके जाने, खुद जाने तो हमारा क्या हुआ उसमें, खुद जानता हो अपने लिए तो हमारा क्या है उसमें, जानने दो नहीं, परंतु उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है, हमारे ऊपर उसका जानने का, इसका जो भी महिमा कुछ काम किया हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन ने हमारे पर कुछ काम किया है, तभी तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं ना। कोई मनुष्य के गुण हमारे लिए, अभी देखो भाई फलाना है, ये गुप्ता जी है, अच्छा आदमी है हमारे लिए, कुछ भी आप किसके भी लिए, जितने भाई अपने बच्चों लिए या जितने भी सबके लिए, फलाने के लिए ये अच्छे काम किए, तो किए है किसके प्रति, तभी तो उसकी महिमा होती है ना। तो भगवान की भी जो इतनी महिमा गाते हैं कि कुछ हमारे लिए, हमारे प्रति कुछ किया होगा तब ना, बाकी उसको अपने लिए ही महिमा है, जानता है अपने लिए, गॉड है अपने लिए, फलाना है अपने लिए, तो अपने लिए तो हमारा क्या जाए, हम क्यों उसको गाते हैं, हम क्यों महिमा करते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं, और जब भी कुछ हमको होता है तो उसके लिए तो कहते हैं हे भगवान अब तू ये कर, कहते हैं ना अभी खैर कर, रहम कर, ये अभी मेरा दुख दूर कर, तो हम अपने एक मांगते हैं, तो उसकी माना हमारे करने के लिए भी उसका कोई संबंध, कोई रिलेशन तो है ना, तो हम याद उसको उस तरीके से करते हैं जैसे उसने हमारे से कभी कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं हुआ होता, अपने लिए सब कुछ होता, तो हम खाली पीली क्यों उसके लिए इतना माथा कुटी और उसके लिए सब, तो वो हमारे दिल में जो आती है तो वो दिखलाती है कि कभी कोई जैसा कोई मनुष्य भी कुछ करता है ना इसके प्रति कुछ, हाँ कोई ऐसी मुसीबत के समय कोई मदद करता है या कोई ऐसी, तो उसमें दिल में आते हैं ना, तो इसने मेरे यहाँ बड़ी मुसीबत के समय इसने मुझे हेल्प की थी, तो उस हेल्प का कितना रहता है कि इसने मेरे समय पर बड़ी सहायता की, समय पर मेरी रिक्शा की, समय पर इसने मुझे बहुत मदद की, तो उसका दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर कोई ऐसी मदद की है, जब ये होते हैं कि नहीं हमारे लिए बैठा तो है ना, चलो दूसरा कोई ना होगा, परमात्मा तो बैठा है ना, दिल में ऐसा आता है, तो जरूर है कि उसने हमारी कोई ऐसे समय पर
सहायता की है तो की है, हमारे रिलेशन में कुछ उसका काम चला हुआ है, ऐसा दिल में लगता है। तो ये भी बातें समझने की है कि उसने कभी क्या, ऐसे नहीं है कि ऐसे काम उसका कभी किसका कुछ अच्छा हो गया तो कहेंगे ये हाँ भगवान बस भगवान ऐसा ही करता रहता है। नहीं, उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है। वो कहते हैं मैं दुनिया को ऐसा बना, कहते हैं हेवनली गॉडफादर, तो दुनिया के संबंध की बात है ना, क्रिएटर भी जो कहा जाता है तो दुनिया के संबंध में आती है ना। बाकी ये थोड़ी है कि छोटे छोटे आज जो हुआ तो भाई ये हमारा भगवान ने किया, अच्छा हमको थोड़ा पैसा मिल गया ये हमारे भगवान ने किया, ये तो हम भी अपने जो अच्छे कर्म करते हैं उस कर्म का, बाकी हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब कभी कैसे चलता है हा? हम जो बुरा करते हैं तो कहते हैं ना भाई ये बुरे का फल है, कुछ अच्छा भी करते हैं भाई चलो ये धनवान बना ना, कैसे बना भाई अपना अच्छा कर्म किया उसका फल है, ठेका भी तो फल है ना। तो वो तो हमारे अच्छे बुरे कर्म करने का भी हम पाते रहते हैं ना, लेकिन परमात्मा ने आकर करके जो हमको कर्म सिखाया उसका जो फल है ना वो फल अलग है। इसीलिए कहते हैं वो ये जो मैं बैठ कर करके तुमको वो नई दुनिया जिसमें तुम सदा सुखी, ये तो तुम्हारा अल्प काल का सुख है ना, ये तो तुम अल्प काल के सुख को ये जो कुछ करते है उसमें पाते हो, ये मनुष्य बुद्धि से। परंतु वो जो मैं तुमको आकर के नॉलेज देता हूँ वो उसी चीज के लिए जिसमें तुम सदा सुख पाओ, तो मेरा काम जो है ना वो भिन्न हो गया। इसीलिए कहते हैं मैं ही आकर करके कर्म की भी जो नॉलेज है ना यथारथ वो मैं सिखाता हूँ। इसीलिए जो मैं आकर के कर्म सिखलाता हूँ जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं आकर के कर्म की नॉलेज पूरी बतलाता हूँ कि कर्म को छोड़ने का नहीं है, गर्भार ग्रस्त में रहते सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसी का आकर के मैं नॉलेज बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म तो अनादि चीज है, ये कर्म क्षेत्र अनादि है, इसीलिए कर्म अनादि है, मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम किस खाते में लाओ वो कैसे श्रेष्ठ बनाओ वो आकर के सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है, इसीलिए देवताओं का खाता या क्या कहेंगे अकर्म, यानी उनको कोई सत्य कर्म करने की भी दरकार नहीं है, सत्य है असत के ऊपर। तो अभी हम सत्य कर्म करते हैं फिर इसकी प्रालब्ध में हमारा कर्म का कोई विकर्म का खाता न रहेगा, हम इसकी प्रालब्ध पाएंगे उसको कहेंगे अकर्म। लेकिन इसके पहले क्या करते थे विकर्म, यानी विकारों के संबंध में, तो कर्म अनादि है। तो बाप बैठकर करके समझाते हैं कर्म तो चलता है, फिर चाहे कर्म को विकर्म बनाओ यानी विकारी संबंध में कर्म करो, चाहे अभी जो मैं सत्य कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म या ये पवित्र कर्म करना सिखलाता हूँ उसको कर कर करके फिर अपने कर्म को अकर्म रखो, अर्थात विकारी खाते से छूटे रखो, तुम्हारा कोई विकारी, क्योंकि वहां तो कोई विकार की बात ही नहीं है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बात समझते, ये कर्म की गति जो है इसीलिए कहते इसको मैं जानता हूँ, तो उसकी यथार्थ नॉलेज भी मैं दूंगा ना, ऐसे नहीं है कि जानूंगा मैं देंगे मनुष्य, नहीं मनुष्य नहीं दे सकते, इसीलिए ये मैं जानता हूँ, मैं भी सोल हूँ, मैं जो जानता हूँ वो बोल भी आकर के सकता हूँ, मैं भी आत्मा, जैसे तुम भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो ना, तो क्या परम आत्मा नहीं बोल सकता है? आत्मा बोल सकती है तो परम आत्मा क्यों नहीं बोल सकती, वो तो और ही अथॉरिटी है। इसीलिए कहते जब तुम भी आत्मा शरीर में आती हो तो बोलती हो, तो तुम भी शरीर ले करके बोल सकती हो, तो आत्मा ही तो बोलती है ना, अभी इसमें से आत्मा निकल जाए तो बोलेंगी नहीं, ये डेड बॉडी पड़ी है नहीं बोल सकेंगी, तो उसकी माना है कि आत्मा बोलने वाली नहीं है तो नहीं बोलेंगी, परंतु आत्मा शरीर लेती है तो फिर बोलती है ना। तो अगर आत्मा बोल सकती है शरीर लेकर के तो परमात्मा क्यों नहीं बोलेगा, बोलेगा। तो इसीलिए कहते हैं मेरे भी बोलने के लिए, लेकिन मैं अपने कर्मों के हिसाब से शरीर नहीं लेता है, तुम सब आत्मा अपने कर्मों से, तुम्हारे कर्म का हिसाब का है, ये तुम्हारे कर्म के हिसाब का शरीर है, परंतु ये एक शरीर नहीं, ऐसे शरीर तुमने बहुत लिए हैं और वो तुम्हारे अपने अपने कर्मों के हिसाब का है, मैं ऐसा नहीं लेता हूँ जो उसमें मैं दुख सुख भोगूं। इसीलिए कहते हैं कि मैं आता हूँ, प्रकृति योगिता में भी है कि मैं प्रकृति का आधार लेकर के आता हूँ, यानी प्रकृति को अधीन करता हूँ, ऐसे नहीं उसके अधीन होकर करके यहाँ कर्म के वश आकर करके शरीर लेता हूँ, तो प्रकृति को अपने अधीन यानी उसका आधार टेम्पररी, इसको कहेंगे टेम्पररी, अपने कोई कर्म के हिसाब का शरीर नहीं है, सिर्फ मुझे अपना उसे बोलने का। इसीलिए कहते हैं मैं भी आकर करके वो नॉलेज देने का, पर बोल तो सकता हूँ,
तो मेरा काम मेरा कर्तव्य भी अपने टाइम के लिए है, ऐसे नहीं जैसे क्राइस्ट का काम क्राइस्ट के टाइम पर है। भाई क्राइस्ट फिर कभी आएगा तो कहेंगे अभी देखो 2000 बरस में इसकी क्रिश्चियनिटी पूरी होगी, फिर हाँ इस 5000 बरस का ये चक्कर के हिसाब से फिर 3000 बरस के बाद फिर आएगा क्राइस्ट, फिर यही क्रिश्चियनिटी स्थापन करेगा। तो देखो अपन अभी समझते हैं कि भाई क्राइस्ट फिर कभी आएगा, हाँ अभी आए हुए उसको 1965 बरस हुए, अभी भी कोई ना कोई जन्म में है, इसका अभी 2000 बरस तक है, पीछे ये क्रिश्चियनिटी की एंड होगी, फिर क्राइस्ट आएगा अपने टाइम पर, कभी आएगा फिर जब क्राइस्ट का टाइम ना 3000 बरस के बाद फिर होगा तब आएगा। तो हर एक सोल का अपना अपना इस चक्कर में पार्ट है, इसी तरह से परमात्मा का भी मुकरर पार्ट है, मुकरर टाइम है। इसमें ये नहीं है कि परमात्मा कोई हद में आ गया या परमात्मा कोई बंधन में आ गया, नहीं, ये ड्रामा का अपना अपना फिक्स्ड अपना अपना हर एक आत्मा का पार्ट है, उसमें उसी परम आत्मा का भी फिर हमारे लिए पार्ट है कि हमको माया की बॉन्डेज से छुड़ाना। तो छुड़ाना भी तभी है जब हम बॉन्डेज में आएंगे ना, जब आते हैं बॉन्डेज में तब उसको फिर छुड़ाने का भी काम हो सकता है। तो हमारे बॉन्डेज में आना फिर हमको वो आकर करके छुड़ाना, तो उसका छुड़ाने के टाइम पर हो गया, तो टाइम मुकरर हुआ ना कि भाई किस टाइम पर आएगा, जब हम माया की बॉन्डेज में बंध जाएंगे ना बिल्कुल एकदम, तब फिर वो आते हैं हम सबको छुड़ाने के लिए, वो लिबरेटर है। तो लिबरेटर का टाइम हो गया ना, ऐसे तो नहीं सदा छुड़ाता रहेंगे उसकी माना हम सदा बंधे रहे हैं, नहीं, हमको माया की कभी कीचड़ चढ़ती है, फिर उस कीचड़ में हम दुखी जब होते हैं आती तभी कहते नहीं तब मैं फिर आकर करके उससे छुड़ाता हूँ। तो उनका भी ये तो सिलसिला जो हम संसार का देखते हैं उससे भी समझ सकते हैं कि हर एक का पार्ट है, क्राइस्ट का अपना काम का पार्ट है, बुद्ध का अपना तो पार्ट है नहीं, ये एक्टर है। कॉमन भी सब कहते हैं कि ये जो संसार है वो एक नाटक है और हम सब उसमें एक्टर्स हैं। तो एक्टर्स हैं ना, यानी आते हैं कहाँ से पार्ट बजाने के लिए, ये स्टेज है, तो स्टेज पर सबको पार्ट बजाना होगा ना। तो परमात्मा का भी जो महिमा है वो भी तो उसके पार्ट के ऊपर है ना, उसकी फिर थोड़ी ऐसे ही कोई मुफ्त की महिमा है, हा? नहीं, उसका भी पार्ट है, लेकिन उसका पार्ट सबसे बड़ा अच्छा पार्ट है, इसीलिए उनके मुख्य पार्ट की उनकी महिमा सबसे उसमें, तो उनका पार्ट मुख्य है। तो सभी एक्टर्स का नंबर वार फिर जानना चाहिए ना कि उसका कैसे होता है, वो आकर करके हमारे लिए फिर क्या सब एक्टर्स को इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाते हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है कि उसको भी वो भी सुप्रीम सोल है, वो गॉड कोई और चीज नहीं है, गॉड भी सोल को कहा, लेकिन गॉड नाम है उसके कर्तव्य के ऊपर, भाई अथॉरिटी है। भाई गॉड क्यों कहा जाता है, भाई जो अथॉरिटी है सबकी, तो सबकी अथॉरिटी होने के कारण उसको कहते हैं गॉड। बाकी गॉड माना ऐसा नहीं कोई बड़ी चीज है एकदम, वो समझते नहीं बड़ा है बड़ा 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 बड़ा, जैसे वो पांडवों को हाँ बड़ा 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 कह कह उसके बुद्ध जो बनाए ने बहुत बड़े बनाए हैं, वो देखा नहीं एलिफंडा के बड़े बड़े, वो समझते बड़े माना इस शरीर में बड़े, परंतु नहीं, उनकी लाइफ उनकी जीवन बड़ी थी। भाई देवताएं पांडव जिन्होंने बैठ कर करके परमात्मा से ये लिया, भाई उनकी जीवन बड़ी थी, बाकी ऐसे नहीं शरीर बड़ा था, तो उन्हें बड़ा 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 कह दिया है, तो वो समझते उनके शरीर बड़े 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 थे। इसी तरह से परमात्मा को भी समझते वो बड़ा है ना, कर्तव्य में महान है, कर्तव्य में बड़ा है, इसीलिए वो समझते वो बड़ा 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 तो फैला हुआ है शायद सब में, तो उसको बड़ा इसी में ले गए, परंतु ऐसा बड़ा नहीं है, वो बड़ा अपने कर्तव्य, मनुष्य भी अपने कर्तव्य है, तो गांधी भी तो मनुष्य था ना, कौन था, ऐसे थोड़ी है कि बड़ा दूसरा बहुत ह्यूज है बड़ा लंबा आदमी था, नहीं है, आदमी था ना मनुष्य था, लेकिन उसका कर्तव्य बड़ा था, इसीलिए वो कर्तव्य में महान था, तो इसीलिए उनको कहते हैं भाई, हाँ इसने ये, तो कर्तव्य के ऊपर ना सभी का। इसी तरह परमात्मा को भी गॉड वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी फलानी फलानी जो भी महिमा है ये सभी उनकी कर्तव्य के ऊपर है, लेकिन कर्तव्य हमारा कैसा है वो भी तो कोई हाँ हमें मालूम होना चाहिए। बाकी ये कॉमन जो हम कुछ अच्छे अच्छे कुछ है बस यही परमात्मा का कर्तव्य है, वो अच्छा ही क्या है, नहीं अच्छाई उसकी है, उसको गाते ही ऐसे हैं हेवनली, अंग्रेजी में भी देखो ऐसे ऐसे नाम देते हैं भाई, हेवनली गॉड फादर, हेवन का स्थापित, जैसे वो क्रिश्चियनिटी का फादर, वो बुद्धिज्म का फादर, हाँ वो इस्लामी धर्म का फादर, तो ये है हेवन का फादर, इसीलिए कहते हैं यानी हेवन का क्रिएटर, बाकी ऐसे नहीं हेवन में बैठा है और हम हेल में पड़े हैं,
तो वो फादर हुआ, तो फादर बैठा है हेवन में, हम बच्चे पड़े हैं हेल में। वाह, ये नहीं है, वो कहते हैं हेवन भी तेरे लिए है, हेल भी तेरे लिए है। अभी तुम बच्चों को, मैं तो हेवन में बैठता ही नहीं हूँ, मैं तो हेवन एंड हेल से अलग हूँ, मेरे लिए तो फिर साइलेंस वर्ल्ड है, जहाँ से मैं, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो पहले पहले, परंतु यहाँ हेवन एंड हेल ये दुनिया के का स्टेज का आबा, तो पहले हेवन है पीछे ये हेल बने, तो हेल में भी तुम आते हो, हेवन में भी तुम जाते हो, बाकी मैं तो न हेवन का न हेल का, न हेल में आता हूँ सिर्फ तुमको हेवन बनाने की हेल्प करने के लिए, तुम्हारे कर्मों को ऊंच करे, सभी टेम्पररी, इसीलिए मैं उसको टेम्पररी, ऐसा नहीं मेरा ठिकाना है, मैं सिर्फ आ कर करके तेरा काम करके जाता हूँ, इस तरह से तो मैं आता हूँ, सिर्फ कोई मेरा घर नहीं है ये, मैं यहाँ बैठने का नहीं हूँ, मैं आता हूँ तुमको हेल्प करने के लिए, तुम आत्मा है जो माया की बॉन्डेज में बंद गई हो ना, उससे छुड़ाने के लिए, तो मैं हेल्प करने के लिए आता हूँ, इसीलिए मैं आकर करके तुमको ये हेल्प दे करके तुम्हारी दुनिया को हेवन बना के जाता हूँ, तो ये है मेरा काम, तो मैंने काम किया है ना, जैसे क्राइस्ट भी आया ना, वो भी आया यहाँ काम किया, ऐसे थोड़ी ऊपर बैठ के काम किया, यहाँ काम किया है, जिन्होंने काम किया है यहाँ किया, तो मैं ऊपर बैठ के काम करूंगा क्या? नहीं, मैं भी आकर के काम करूंगा, तो मैं भी कैसे काम करता हूँ उन्हीं सभी बातों को भी समझने का है, ऐसे नहीं है कि मैं ऊपर बैठे, ऊपर बैठे तो किसने क्या, ऊपर किसने देखा और क्या काम क्या नहीं, मेरा भी काम जैसे है, जैसे मनुष्य आत्माएं भी काम कर करके तुमको सुख देती है कि तुम उसको गाते हो, तो मेरा काम सबसे महान रहा, तो ये सभी के परंतु कहते हैं जब जब मैं आता हूँ ना, उसकी टाइम नहीं जानते, क्योंकि मेरा काम ऐसे तरीके का है, बड़ा गुप्त बड़ा साधारण, क्योंकि करूंगा तो मनुष्य के ही नमूने से ना, हम मनुष्य सृष्टि है ना, दूसरा क्या नमूना ले आऊंगा, क्या करूँ स्पेशल और क्या करूँ, हाँ नहीं, करूंगा तो उसी नमूने से ना, तो इसीलिए समझते हैं भगवान, सुना है ना, बहुत बड़ा, तो वो समझते हैं कि यार इसको ऐसे काम करने की क्या पड़ी है, भगवान होता तो पता नहीं दुनिया में आज क्या हो जाती, बिजली चमक जाती है, सब ढेर के ढेर यहाँ इकट्ठे हो जाते, वो कहते हैं नहीं ये चीज ही ऐसी है, तो मैं जानता हूँ ना, अगर ढेर के ढेर आ जावे यहाँ, सारी दुनिया यहाँ आ जाए, तो सारी दुनिया को फिर मुझे उसका फायदा भी देना पड़े, हाँ यानी उसका मतलब है कि जो हेवन स्थापन करता हूँ, परंतु नहीं वहाँ संख्या ही थोड़ी है, इसलिए मैं जानता हूँ, बाकी इतनी संख्या का फायदा सबका करता हूँ, ऐसे नहीं सभी मेरे बच्चे, फायदा सबका देता हूँ, परंतु उनका फायदा फिर जो ये ज्ञान लेते हैं उनका फायदा दूसरा है, और उनका फायदा फिर यही है कि उनको माया की बॉन्डेज से सजाओं के जरिए छुड़ा कर सके, उनको फिर साइलेंस वर्ल्ड में बिठा देता हूँ, तो फायदा तो उनका, वो भी कहते ना हम आए नहीं यहाँ, बैठे रहे वहां तेरे पास, चलो तू मेरे पास बैठे रहो, हाँ ऐसे ही समझो, मैं फिर जो है जीवन मुक्त जीवन, ये दुनिया तो चलनी है ना, उनको फिर यहाँ सुखी करता हूँ, तो इधर भी सुखी उधर सुख दुख से न्यारे, फायदा तो सबको देता हूँ ना, जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति कहता हूँ, मैं हूँ सबका देने वाला दाता, सबको लिबरेट करता हूँ, तो सबको करता हूँ, तो सबका फायदा तो कहते नहीं बच्चे मेरे तो सब ही है ना, परंतु वो इनडायरेक्ट हाँ न जानते हैं, तो उनको इनडायरेक्ट वे का फायदा देता हूँ, और जो मुझे डायरेक्ट जानते हैं और डायरेक्ट मेरे से रिलेशन रख करके डायरेक्ट अपना पुरुषार्थ रखते हैं, उनको डायरेक्ट दुनिया का फायदा देता हूँ, तो डायरेक्ट का डायरेक्ट फायदे और इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट फायदा, लेकिन देता हूँ फायदा, इसीलिए तो मुझे सब कहते हैं, नहीं गॉड पिता ये सब कहते हैं कि सब का काम करता हूँ, और कैसे करता हूँ वो करने का भी मेरा तरीका समझो, तुमने दूसरा तरीका, बाप कहते तुमने मेरा तरीका दूसरा समझा है, दूसरे किस्म का सबका, भाई सबका जो थोड़ा बहुत कुछ होता रहता है, नहीं कुछ भी थोड़ा होगा नहीं, ये भगवान ने किया, भगवान अच्छा कोई बचाएगा, भगवान ने किया, कोई कुछ होगा, हाँ फिर कोई धन जाएगा ना, हाँ तो फिर रोएगा पीटेगा, या कोई मर जाएगा ना फिर रोएगा पीटेगा, अरे भगवान ने बोला क्या, भगवान अगर सब करता है तो या तो सब में रखो, फिर तो अच्छे बुरे में सब में भगवान रखो, परंतु ऐसे थोड़ी ऐसी बात है, भगवान ने क्या फिर बुरी हुई तो फिर भगवान को गाली भी देते नहीं, हाँ तो ये तो बात नहीं है ना, ये तो हमारे कर्मों की है, अच्छा हुआ तो भी हम कुछ अपने अच्छे भी तो बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि बुरे ही बनाते हैं, नहीं अच्छे बुरे सब तो उसका भी थोड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन कहते ये अच्छा बुरा जो तेरा है ना, ये बात मैंने ये अच्छाई तेरी नहीं बनाता, मैं दूसरी अच्छाई बनाता हूँ, वो दूसरा किस्म की अच्छाई है, वो कौन सी, वो दुनिया ही नहीं के लिए, जिसमें तुम्हारा कभी अकाल, ऐसे नहीं जन्मे तो खुश हो पर मरे तो रोए, ऐसा नहीं मैं करता हूँ, मैं तुम्हारे को ऐसा देता हूँ जिसमें कोई अकाले मरे न, कोई रोगी होए न, तेरा जन्म मरण मैं ऐसा बनाता,
वो ठीक है ना, कहते मैं तेरा जन्मना तेरा मरना दूसरे ढंग का बनाता हूँ। ढंग का मतलब क्या है कि जिसमें तुम कोई अकाले नहीं मरेंगे, मरेंगे यानी शरीर तो देता है भी छोड़ेंगे ना, बाकी ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, वृद्ध होंगे तो क्या रखा रहेगा क्या थोड़ा शरीर, नहीं शरीर तो छोड़ेंगे परंतु वो अकाले नहीं छोड़ेंगे, वो अपने टाइम समय पर मालिक होकर के। तो कहते वो जन्मना वो शरीर छोड़ना उसको फिर अमर कहा जाता है, उनको मृत्यु नहीं कहा जाता। तो वो कहते मैं तेरा और ढंग से बनाता हूँ तो मेरा काम भी समझो ना, इसीलिए मेरे काम की मुशाबत मनुष्य के काम से मत करो। ये अभी इस दुनिया में मेरा काम इसी तरीके से जो मैं करता हूँ आकर के डायरेक्ट, वो नहीं इनडायरेक्ट तो सब ईश्वर करने वाला ही है, क्योंकि भावना तो फिर भी ईश्वर तरफ रखती है ना। तो कहते मनोकामना मैं अलग काल के लिए भी पूर्ण करने वाला मैं हूँ, परंतु ये डायरेक्ट जो मेरा काम है एक्ट आकर के करता हूँ प्रैक्टिकल जिसकी महिमा है वो मेरा ये काम, उसका तुम्हारे को फायदा भी मेरा अलग है ना। तो मेरा फायदा तुम अलग समझो कौन सा, मैं जरूर कोई बड़ा काम किया नहीं तुम्हारे लिए, तो बड़ा ये कि तुम्हारे जीवन में इतना फायदा दिया, सदा सुखी, कभी रोग नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, कभी कोई नहीं, तो ये किसने दिया, ऐसी दुनिया किसने बनाई भला, कि कई समझते ऐसी शायद दुनिया है ही नहीं, इसीलिए समझते दुनिया तो ऐसी है ना, उसमें मरना भी होगा जन्मना भी होगा रोग भी होगा, करके कुछ कम होंगे पहले अभी करके बहुत है बस इतना फर्क, परंतु नहीं वो भी टाइम था जब था ही नहीं, तो जो था ही नहीं वो किसने बनाया, वो हमारे कौन से कर्म थे, तो वो भी कोई कर्म का फल था ना। तो जरूर दुनिया आती ऐसे ऐसे नहीं एक दो आदमी की बात है दुनिया, परंतु ये समझनी चाहिए बात, कहीं शायद इनको नहीं समझते हैं कि ऐसी कभी दुनिया हुई होगी जिसमें दुनिया एक दो आदमी की बात नहीं है, दुनिया ऐसी थी सब सुखी थे, अरे जानवर पक्षी पशु भी कभी रोगी नहीं होते थे, कभी वो भी झगड़ते नहीं थे, सब थे, तो जानवर ऐसे थे तो मनुष्य क्या होगा, सब सुखी थे, कोई भी मनुष्य अकाले नहीं मरता था, ला था, जैसे अभी मरते हैं ना, जैसे ये अभी नेम हो गया है ला हो गया है, था ऐसा ही मरना है, कहते ना ये दुनिया का ऐसा तो मरना होता है, ये सबको ऐसा ही मरना है, पर तो वहां सतयुग में फिर सबको ऐसा नहीं मरना है, वो ऐसा अकाले मृत्यु होता ही नहीं, किसी का भी सुनेंगे नहीं कि फलाना ऐसे अकाले मर गया, टाइम पर समय पर। इधर तो देखो सुनते हैं ना, देखते भी हैं सुनते, भाई फलाना ऐसा हार्ट फेल हुआ, ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, या बैठे ही मर गया, मतलब बाप के बैठे बचा बजा, ये सभी होते हैं ना, वहाँ ऐसे नहीं है, सब टाइम पर, कभी ऐसा सुनेंगे नहीं कि फलाना ऐसे मरा, नहीं वो टाइम पर समय पर। तो वो पर तो शायद कहीं बिलीव नहीं करते कि ऐसा कभी संसार था, क्यों नहीं बिलीव करते हैं? ये भी कारण है कि क्योंकि शास्त्रों में जो हमारा पहले के संसार की कुछ चिन्ह है ना, उसकी बायोग्राफी में ऐसी ऐसी बातें लगा दी है, भाई राम के साथ में भी लड़ाई लगा दी रावण की, उसकी सीता चुराई गई, ऐसी ऐसी बातें उनके हिस्ट्री में लगा रखी है, जैसे कहीं बिलीव नहीं करते भाई उनके जमाने में भी ऐसा होता था, वो समझते हैं उनके जमाने में भी ऐसा होता था, इसीलिए समझते हैं कि कोई जमाना ऐसा होगा ही नहीं जिसमें कभी कोई लड़ाई न हो, झगड़े न हो, कभी अकाले मृत्यु न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बायोग्राफी में कुछ बातें मिक्स कर दी है, देवताओं का नाम रखा है परंतु उनके कर्तव्य कुछ ऐसी बातें डाल दी जो बेचारे मनुष्य मुंझ पड़े हैं, वो समझते हैं कि किसी के जमाने में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो ये सभी चीजों को भी अच्छी तरह से समझना है कि नहीं लाइफ की कुछ स्टेज है और वो स्टेज किसने बनाई है, उसके काम करने वाला भी कोई है, ऐसे ही नहीं भले नेचर है ये चक्कर चलता है ये भी लाइट है, कहीं समझते नहीं ये तो सृष्टि, चलो ऐसा ऐसा भी होगा दुनिया तो ये अपने टाइम पर आप ही बनेगी, परंतु आप ही में भी जैसे क्राइस्ट अपने क्रिश्चियनिटी आप ही बनी नहीं मैं था ना, भले क्राइस्ट कोई कहे आप ही आया, चलो पर आया ना, आया नाम तो उसका हुआ नहीं काम भाई उसने, भले वो भी ऑटोमेटिक में था भाई क्राइस्ट को आना था काम करना था, चलो कोई ऐसे भी समझे, परंतु फिर भी तो वो भाई आया उसने ऐसा किया, भले ऑटोमेटिक तो परमात्मा भी ऑटोमेटिक में आएगा, चलो ऑटोमेटिक में समझो परंतु आएगा करेगा, वो तो कहेगा ना जैसे क्राइस्ट भी ऑटोमेटिक में आया वो भाई उसकी क्या महिमा है भाई, वो परंतु आया भाई क्रिश्चियनिटी उसके नाम पर हुई वो आया फिर भी आया ना, इसी तरह से परमात्मा भी ऑटोमेटिक में ही समझो परंतु आएगा। तो वो कहते हैं मेरा भी टाइम है ना, समय है, सबका टाइम, देखो टाइम ही है सबकी हिस्ट्री में, क्राइस्ट का टाइम है 1965 बरस हुए, बुद्ध का भी टाइम है अपना बतलाते हैं, इस्लामी धर्म वाले भी बतलाते हैं अपना टाइम, टाइम सबका है, तो परमात्मा का भी टाइम है ना, टाइम के अंदर की बात है, इसीलिए उसको कहें कि उसके लिए कोई टाइम ही नहीं है, उनको हम हद में लाते हैं, ये नहीं ये हद नहीं है, उनके कर्तव्य की समझ है, इसको हद नहीं कहेंगे, उसको कोई हम हद में नहीं पकड़ते हैं, लेकिन उसका टाइम उसका कर्तव्य
कभी है वो भी तो समझ, उसमें कोई हद में उसको थोड़ी लाते। हद और बेहद का भी अर्थ समझना, वो समझते हम उसको हद में लाते हैं, भाई ये एक सीमत में या हद में या उसमें कि भाई इसका मुकर टाइम है, वो तो मान विशाल बेहद जब भी चाहे जिधर जाए जिधर करे काम, परंतु वो कहती है मेरे भी काम होने का समय चाहिए ना, मेरा समय जब होता है वो एक ही टाइम है, मैं आता हूँ एक ही बार, यही तो सर्वशक्तिवान है कि एक ही टाइम पर सारा काम कर लेता हूँ, विनाश का स्थापना का पालना का तीनों काम एक ही बार करता हूँ, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और फिर जो करता हूँ कंस्ट्रक्शन उसकी फिर पालना बेहतर करके ये सब फिर मैं चलाता हूँ। कैसे चला देखो पालना लायक बना तो मैं आपका एक बार काम है, इसी में तो शक्तिवान हूँ मैं, बड़ा काम करता हूँ एक ही बार, तो मेरी शक्ति का गायन उसी पर है, एक ही बार आकर के बड़ा काम करता हूँ, बाकी ऐसे नहीं है कि मेरा काम चलता ही रहता है, इसीलिए मैं शक्ति या महान या बड़ा या विशाल या बेहद हूँ, मैं कोई हद में एक ही का थोड़ी, एक ही तो बात ही नहीं सबका, ये तो और हद हो गई भाई, कभी किसका काम करता है कभी किसका करता है कभी किसकी, तो हद हो गई, कभी किसका, वो कहते मैं आता हूँ तो धक से एक बार सबका काम कर लेता हूँ धक से, इसीलिए तो बाप कहते तुम भी मेरे धक से बनो, झाटकू बनो, मैं भी झाटकू की तरह से काम करता हूँ, तुम भी झाटकू की तरह से काम करो, ऐसे नहीं धीमे धीमे आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा नहीं, वो कहते मैं भी एक बार आकर करके डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और जो भी काम है झट से कर लेता हूँ, तुम भी अपना काम फिर ऐसा ही करो, इसीलिए कहते यही जन्म है अंतिम, इसका मतलब ये कि लॉस्ट जन्म है काम करने का, ये अभी है टाइम, तो देखो टाइम भी अभी है ना, क्योंकि ये अभी वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन की टाइम है, वो कहते हैं मैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के टाइम पर काम करता हूँ, जब ही हो ना टाइम, अभी डिस्ट्रक्शन का टाइम ही ना होगा बीच में आकर के क्या करूंगा। अच्छा ये सभी बातें को भी अच्छी तरह से समझने का है, इसलिए बाप कहते हैं मेरा काम निराला, और कहते भी तुम्हारी गत तुम्हारी मत तुम ही जानो, ऐसे नहीं तुम्हारी गत तुम्हारी मत हम जाने हा? नहीं तुम ही जानो, देखो कहा नहीं गत भी तुम्हारी मत भी तुम्हारी, यानी तुम्हारी गति सदगति करने की जो मत है नॉलेज वो भी तुम ही जानो, तुम ही जानो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी गत मत हमारे वेद शास्त्र विद्वान पंडित जाने ना, तुम ही जानो, तो जो जानेगा वही सुनाएगा ना, तो जाने, इसलिए कहते कोई मनुष्य नहीं इसको जान सकता, गॉड नोज बस। अच्छा कैसा सब बैठे हो अपने बेहद बाप की याद में और उसके फरमान और आज्ञा की पालना करते रहना है, बहुत अच्छी उसकी आज्ञा है, मीठी 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 नहीं लगती है उसकी आज्ञा जो हमको मीठा बनाती है, जो हमारी लाइफ को क्या बनाती है। गीता जी कहाँ हो? अच्छा है इस विचारों में रहना, अच्छा है ये विचार सागर मथन भी कहते हैं ना, विचार सागर मथन उसका देखो शास्त्र है, तो इस मथन को करना का भी महत्व है, फिर कभी उससे रतन निकल आएंगे, कभी पत्थर निकलते हैं कभी रतन निकलते हैं, अभी रतन निकलते हैं इतना समय तो आ जो बेचारे की जितनी जितनी हद की बुद्धि थी मनुष्यों की से आए, परंतु उससे कोई वो चीज अभी बाप कहते हैं वो तो मेरे द्वारा मिलेगी, मुझे कोई विचार सागर मथन करने की दरकार नहीं उसको, कोई विचारों की यह है मनुष्य के लिए, बाप कहते हैं कि हाँ अभी मैं देता हूँ भले विचार कर, मनुष्यों की भी सुनी अब मेरी भी सुन, इसे जज योर सेल्फ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मनुष्यों की सुनते आए हो अब मैं जो सुनाता हूँ वो भी सुनो, अब दोनों को विचार में लाओ, पीछे जज योर सेल्फ। अच्छा कैसे हमारे किसके नाम लेके कितने ले हमारे यहाँ रामचंद्र जीवन लाल हाँ ये मोहन है, मोहन बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ता है, बीमार थे? अच्छा बीमार होते हैं ना तो लिख करके भेज दे रहे जगह सिकली पर हाँ, तो पता चले फिर आपके पास कोई भेजे कोई मुरली आकर के सुनाए, जो कुछ रोजता है
तो आपकी शिक्षा नहीं, कैसे पता चले कि भाई बीमार हैं या कोई बाहर चला गया, क्या हुआ, किधर है, कैसे पता चले। तो जो स्टूडेंट होता है ना, तो फिर नहीं स्कूल में भी होता है तो भाई खबर दे देते हैं, एक पोस्ट कार्ड भी डाल दो ना, पता चलेगा भाई नहीं हम जरा थोड़ा तबियत है, ऐसा तो होगा कि दो अक्षर लिख दो सबको, ऐसी तो नहीं यहाँ पे से लिखो आओ, खुद न लिख सको भाई तबियत ऐसी है, इसको कहो हमारा ये दो कार्ड कार्ड में अक्षर लिख दो, तो कोई काम भी तो कर सकते हैं, तो पता चले। तो स्टूडेंट तो फिर ऐसा होना चाहिए ना, हम नहीं तो इंतजार करते रहे कि पता नहीं है कोई बाहर गया, क्या हुआ, किधर, या माया खा गई, ख्याल तो रहता है ना, माया नहीं खाएगी। हाँ भले वो तो आपके मुख में गुलाब कि माया आपको कभी नहीं खाएंगी, बहुत अच्छी बात सुनाई, परंतु फिर भी ख्याल तो रहेगा ना, क्योंकि हम देखते हैं बहुत अच्छो अच्छों को भी माया खा जाती है। बहुत अच्छे कहते हैं महारथी बड़े अच्छे, अरे 20-20 बरस रह कर करके भी माया खा जाती है। आप तो अभी बताने कितने समय के हो, हाँ 5 मान के चलो, 8-10 मास के ही है ना, ये है मास के, लेकिन हाँ अभी यहाँ हमारे पास 8-10 बरस वाले भी टूट पड़ते हैं, 20-20 18-18 बरस, तो ख्याल रहता है। अच्छा टोली मिली, अच्छा ऐसा बाप, ऐसा दादा, हाँ बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे समझदार बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।